एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो नाउ इट्स पार्ट टू ऑफ आवर करवा चौथ ब्लॉग। हम बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, सुबह 5 बजे। सो अभी उठे हैं, अब हम जा रहे हैं आपरा रेडी होने। एंड एज यूजुअल प्रीति दी आ गई है मुझे पिक करने के लिए। सो लेट्स गो। हेलो, ये रिचुअल नहीं होता कि सिर्फ सूट साड़ी पहनने होते हैं करवा चौथ के? फिर मैंने कहा छोड़ यार, करता क्या है। मैं आपके प्रेशर में पहन के आई। मन कपड़ी दीदी पहन के आती है हर बार। मैंने निकाल लिया था, मैंने सोचा यार जाते ही तो बदलना है, क्योंकि ना मैं इसलिए पहनते थे ना, हर बार वो सिंदूर लगवाते थे, वो तो रात को वो हमारा रात को हो गया इस बार। तो फिर तो हम चेंज करके सोए थे। मैं तो इस प्रेशर में पहन के, मैंने कहा प्रीति दीदी दुल्हन सी बन के आ जाती है यार, मैंने मैरून सूट ही निकाला। चलो चले फिर, अब चल रहे हैं। नींद पूरी हुई है आपकी? हाँ, हो गई। हो गई, चलो गुड। मेरे को तो 9 बजे से मेरे फोन ने नहीं सोने दिया। 12 बजे उठी तो नींद तो पूरी हो ही गई। 9 o'clock। ओके, लेट्स गो गाइस, अब आपको लेके चलते हैं। जब हम उठा रहे हैं अपनी शॉप होने के फायदे, अब हम तैयार होने जा रहे हैं और रास्ते में अपनी ज्वेलरीज पिक कर रहे हैं। सो अपनी शॉप है तो ऐसा कोई टेंशन है नहीं कि ज्वेलरी, ना ज्वेलरी की टेंशन है ना मेकअप की टेंशन है, सब कुछ घर का हो रखा है। कपड़े हम 1 महीने पहले ले आए, वो हम 1 महीने पहले ले आए हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो गाइस नाउ लेट्स रूल दी मेकअप रूम ऑफ प्रीति दीदी एंड रेखा दी। फटाफट से सुंदर से तैयार हो जाते हैं। एंड देखो गाइस, मेरी फेवरेट पैलेट है यहाँ पे पीलूस की। सो लेट्स गेट रेडी। एंड गाइस, ये मेरा पहला करवा चौथ है शादी के बाद। सो आई एम टू एक्साइटेड। आई थिंक हर लड़की होती है इस दिन पे एक्साइटेड, मैरिड ऑब्वियसली, मैरिड गर्ल्स। सो जल्दी से रेडी हो जाते हैं, देन आपको आज का पूरा दिन दिखाते हैं, हाउ वी सेलिब्रेट दिस। सो लेट्स गो। रेखा दी भी आ चुकी हैं। अब रेखा दी पहले सबकी सफाई चेक करेगी, सबको थोड़ा बाय कैमरा क्या। अभी दीदी सबकी सफाइयाँ चेक करेंगी, किसने क्या क्या गंदगी फैला रखी है। ठीक है, सो चलो अब रेडी होते हैं। तो अब हम रेडी हो चुके हैं, जस्ट हैव अ लुक। ये हमारी दुल्हन लग रही है फुल सेट, और अब देख लेते हैं दूसरी दीदी को। छुपा रही है दूसरी दीदी तो खुद को, पूरा दिखा दे। अच्छा ठीक है, वाओ गाइस, प्रिटी। क्या मैं आप दोनों को वाओ बोल सकती हूँ? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो गाइस चलते हैं, अब हम कथा करते हैं और फिर हमें एक एक घूट पानी मिल जाएगा। कथा तो है क्या? तीन गिलास पानी पियोगे? क्या हो रहा है आपके साथ आज? आज कुछ नहीं, मेरे को प्यास लग रही है और भूख तो लगी रही है। पेट से आवाजें आ रही हैं, पेट से आवाजें आ रही है, और अभी तो आधा दिन बचा है। दीदी अभी तो हम उठ के सिर्फ तैयार ही हुए हैं। अगर मम्मी रेडी नहीं हुई तो हम किसी पार्क में अपनी फोटो खिंचवा ले। देखो मम्मी रेडी नहीं हुई अभी, तो फिर चल पहले पार्क में। मम्मी का कौन सा पास है? ओके चलो फिर, चलो लेट्स गो गाइस। ठीक गाइस, हमने एक जगह ढूंढी है जहाँ पे हमारा फोटो सेशन हो रहा है। 1, 2, 3 तो हम कथा बाद में पढ़ेंगे। अभी इन दोनों लड़कियों को प्यास लग रही थी कि एक घूट पानी दे दो, एक घूट नहीं बहुत सारा। और अब ये पहले कथा छोड़ के अपनी फोटो क्लिक कराने आए हैं। चलो अब मैं सबकी ड्रेसेस दिखाती हूँ। ये ऐश्वर्या की ड्रेस है जो कि हमने ली है मीना बाजार से, और ये प्रीति की ड्रेस रजौरी से ली है हमने, शॉप बेनजीर। ओके, मेरी थोड़ी देर में दिखा, बेनजीरा बेगम नहीं है, बेगम पे तुम्हें समझ नहीं आया था। कॉटन उत्सव के साइड में है गाइस। ये दोनों ड्रेसेस हमने रजौरी से ही ली हैं। चलो कम। सो गाइस, रेखा दी बहुत ही प्यारी लग रही हैं, जस्ट हैव अ लुक। दीदी की ड्रेस, न्यू मॉम आफ्टर 20 डेज ऑफ माय बेबी। यस, कहीं से भी नहीं लग रहा, 23 डेज कहीं से भी नहीं लग रहा आपने अभी बेबी की है। हमारी बड़ी दीदी भी कहर ढा रही है, बिल्कुल 3 इयर्स ऑफ बेबी एंड 23 डेज ऑफ बेबी, सिमिलर सा लग रहा है गाइस। ये वाला साइज नहीं है मैम, उन्हें नहीं पता दीदी आपने बेबी की है। सारी दुकानों में वापस जाऊंगी, फिर कहूंगी भैया अब निकालो मेरा साइज, फिर कहेंगे ना ये नहीं लेना भैया। ठीक है, सो हम घर पहुंच चुके हैं और मम्मी ने सुपर ब्यूटीफुल तरीके से हमारी वेलकम में सारी तैयारियां कर रखी है। वाओ, कितना
तो ये भाभी है हमारी जो रेडी है, इनका फर्स्ट yes, बच्चा है। yes, guys, ये दीदी है wow. इनका आफ्टर बेबी सब बहुत सुंदर रेडी किया हुआ है मम्मी ने। भाभी का लगता नहीं है कि बच्चा निकल मेरा आफ्टर 3 इयर्स मेरे बेबी का थर्ड करवा चौथ है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। कितना सुंदर लग रहा है, किसकी हमारी नहीं? हाँ, हम सबकी है। बहुत ही सुंदर। पैसे देती हुई, पैसों का अरेंजमेंट करती हुई अपनी सासू मैम को। मेरा पति ना मेरा पर्स लॉकर में रख गया है और पासवर्ड उठा नहीं। अरे यार सब ऐसे है, मैं भी ऐसी, मैं भी नहीं चाहती हूँ किसको। मैं तो कहती हूँ आप भाई बहनों में कोई दिक्कत है। So beautiful, so elegant, just looking wow everyone. ये देखो भाई हमारे, मेरी फोर लव लेडीज सब तैयार होके बैठे हुए हैं। अब पूजा होगी तुम्हारी या हो गई? अच्छा मैं घुमाऊँ थाली? अच्छा मुझे रील बनानी है। चलो ठीक है जी, आया 2 मिनट गाइज, 2 मिनट गाइज, मैं सामान रखा हूँ। जी क्या है, क्या बात है, मम्मी को बुलाओ। मम्मी यार ऐसे कोई प्रथा प्रथा होती भी नहीं है, प्रथा हमारे घर आने की भी नहीं थी। प्रथा तो ये भी नहीं थी दीदी जो हमने अभी किया, मेरे लिए भी सरप्राइज है, मुझे भी नहीं पता था ये हो रहा है। मैं नहा धो के अच्छे, अंकित नहा धो के अच्छे से, हमारा नया धोया है, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। किसने हाँ किसी ने नहीं धोए। तो गाइस मम्मी के लिए कुछ नहीं ले सकता था तो इसने मम्मी के लिए ये मतलब गिफ्ट कैश। अब बड़ी दीदी की बारी, नहीं मम्मी ज्यादा कुछ नहीं है दीदी के लिए। ये तो मेरे को चाहिए था, ये छोटी दीदी के लिए। एक महीना तो चला ही लूंगी मैं। ये वाला है ऐश्वर्या का और ये वाला है मैंने अपनी फोर लविंग लेडीज को सबको गिफ्ट दे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, भगवान तेरा भला करे। बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हो, मैं ना के तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। थैंक यू, बहुत सुंदर। बिल्कुल ऐसा नहीं, याद कराया जा रहा है छोटे छोटे। अब हमारी गर्ल्स डाइट लेते हुए, हेल्दी डाइट, और ये इनका हेल्दी डाइट, और ये देखो ये इनके भरे हुए चाय के कप। हेलो, ये देख लो ये इनकी हेल्दी डाइट। कहाँ पे होंगे? चल 7 बजे तक आ जाना। कौन है 7? अंकित जी आज हैवी बिजी है। अब ये नहीं पता कहाँ है अंकित, कह रहे तुम बहुत बिजी हो। कैसे जीजू, फुल 18 मिनट पहले ले, बहुत सुंदर लग रहे हो। कवर से मैचिंग नहीं है इसका, ये लहंगा। हाँ जी, आपके कवर से मैचिंग हो गया जीजू का कुर्ता, देख रहे हो गाइस, इन्होंने मैच करके कवर लगाया है। ये मेरे भाई ने गिफ्ट किया है, मैच करके कुर्ता भी लेना। मैंने से कपड़ा बचा था, पीछे कवर बना लिया। शर्मा गया, चलो चलो जीजू, दीदी की थोड़ी तारीफ करो बैठ के। कैसी लग रही है दीदी? ऑसम ऑसम, मेरे को मत लेने को, गजब लग रही है। वेलकम वेलकम गाइस, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों का सही में। हाँ अब हम चारों एक वीडियो बनवाएंगे यार, एक तरफ बेटा समझ आया। नहीं पहले हस्बैंड वाइफ की ट्विनिंग होती थी, अब लव मैरिज और भाभी ननंद की ट्विनिंग, जीजा साला की ट्विनिंग हो रही है।
सो गाइस जमाना देखो, सबको ये हो रहा है कि उनकी रील्स रह ना जाए, आज के बाद आज की रील्स का कोई काम नहीं है, तो सब कॉन्टिन्यूसली अपनी रील्स पोस्ट करने में लगे हुए हैं। सो बिजी, आधे घंटे का टारगेट है, कल खुद आधे घंटे खुद एक घंटा पोस्ट करके अपनी सारी छह वीडियो पोस्ट करने के बाद तेरे फोन उठाया, मैंने कहा एक मेरी वीडियो कर दी पोस्ट कर दे, वहाँ एक घंटे में हम कितनी जस्पीजी कितनी बज्जी खेली उन्होंने की, हमने 8-9 को 8-9 बज्जी खेली जब से इतने एक वीडियो डाली डाल दी, वीडियो डाल दी मैंने आपकी डाल दी गाइस चल। सब वेट कर रहे हैं अब चांद का, यस बट नहीं मैं कोई भी चांद का वेट नहीं कर रहा, मेरा चांद आ चुका है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। सो चीजी लाइन्स हैवी मीम लगेगा यहाँ पे, तो बीवी तैयार होके खड़ी है तो चांद है अभी। अब हम पापा और मम्मी की गिफ्ट सेरेमनी है, पापा मम्मी को गिफ्ट देंगे। क्या दे रहे हो पापा जी आप? अरे तू सब देख रहे हो, नहीं 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 नहीं, शोर शराबे के साथ दिया जाएगा। पापा अंकित क्यों बोल रहे हो, चुचू पहले तो बाथरूम चल, बाथरूम में जाओ, बाथरूम में यार चल। पापा जी मम्मी का गिफ्ट कर रहे हैं, मंगल जी तक जी गिफ्ट मम्मी ने तो मांगा ही नहीं, कर लिया ही तू को मंगल लाके बताया तो बात है। अच्छा ये तो हक है, कभी नहीं लिया ना, चप्पल पहना रहे थे पापा भी ले आएंगे। गाइस 5 मिनट का वेट है, गाइस 2 मिनट्स बाद हम मिलते हैं दोबारे। कपड़े हटो बेटा, गाइस मम्मी की गिफ्ट सेरेमनी, अरे मम्मी 11 तो है, मम्मी 11 है, मम्मी चलो मिल गए, यहाँ तो 3100 की उम्मीद थी, मैं सबको ये था 3100 मिलेंगे, 1100 आ गए, 11 मम्मी कहती लास्ट ओके ओके ओके, वैसे भी क्या मोहब्बत होता है, अड़ जाएगी कौन सी वाली देख लो, सोच समझ के बोलो ये बातें, अड़ जाने वाली। चलो भाई तो अब हम चले हैं अपने चांद को अर्घ देने, चांद के पास अपने अपने चांद को चंदा मामा के पास लेके, सो लेट्स गो गाइस, चलो कुछ नहीं हो गई शुरू सेरेमनी, चांद दिखा देते हैं, गोरा चांद चलो मम्मी पापा का हो गया, चलो अंकित जी, अंकित जी आओ, आपका नंबर आ गया, करो करो आप, सही हो रहा है काम। जसप्रीत जी बच से रहे हो, अंकित जी आप तो अभी हो गए लड़की, आज उस चांद के आगे मेरा चांद फीका लग रहा है, मुझे लग रहा है। क्या बात, क्या बोला तूने, उस चांद के आगे मेरा चांद फीका लग रहा है, मेरा चांद फीका लग रहा है, प्रीति फीकी लग रही है, सच बोला है, सच बोला है, चांद तो अंकित जी को थाईलैंड का ही पसंद है। वीडियो में छू लेना।
प्रीति भाग रही है, ये नौची गज गया बात। पहले तो मैं वैसे खाने को प्रेफर करूंगी। यार हमारा टाइम हो गया, चलो यार तुम चलो मैं इनकी बना, मैं इनकी बनाऊंगी, हम वीडियो बाद में, तुम चलो मैं इनकी बनाऊंगी। क्यों फिर अपने चांद को देखियो, ये चांद गाइस दिख रहा होगा आप लोगों को भी, और ये रहा इसका चांद। जसप्रीत जी गाड़ी की चाबी देने का आरोप थी, पानी पिलाओ अंकित इसको, तो पानी पिलाओ। हाँ हाँ मैं रख दी, मिठाई पिलाओ, लो ये भी रख देना, दे चलो लो प्रे कर दो, कर छो, चल क्या बात, कोई डायलॉग डन, कोई डायलॉग आज नहीं करनी, आज तो वेट्स है ना, वेट्स। तो अब ये लड़कियां फास्ट खोल चुकी हैं, अब बारी क्या बात है, तो अब इनको, अब ये देखो फास्ट रखा है, एक दिन खाना खाएंगी 10 दिन का, यही है हाँ जी, चले जगह तो नहीं है इतना खाने वाली, चलो वीर जी मेरे कहाँ आ गए।